अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे अपने नाउन की डेफिनेशन में पढ़ा था, पर्सन, प्लेस और थिंक। थिंक यानी कोई वस्तु, वस्तु को जो इंडिकेट करने वाले जो वर्ड होते हैं वो कॉमन नाउन में आते हैं। जैसे बुक, पेन, टेबल, मोबाइल, चेयर, बल्ब, etc। कॉमन नाउन का मतलब ये है एक तरह से जातिवाचक संज्ञा। इसको जातिवाचक संज्ञा क्यों कहते हैं? जैसे ये जो भी एग्जांपल हैं ये एक तरह से किसी जाति की ओर इशारा करते हैं। जैसे बुक है तो हजारों प्रकार की बुक है, पेन है, टेबल है, मोबाइल है, चेयर है, मतलब है, तो हर चीज़ के अलग अलग प्रकार मौजूद है यहाँ, तो इसलिए इनको कॉमन नाउन कहते हैं। तो ऐसे अगर वर्ड आएंगे तो आप पहचान लोगे, बुक है तो हजारों प्रकार बुक है, मोबाइल है, कितने प्रकार के मोबाइल है आप यूज़ करते हो, चेयर है, बल्ब है, टेबल है, ये होता है जातिवाचक। अब आते हैं अपने कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। समूहवाचक का मतलब है कि देखिए जो भी आपके सामने एग्जांपल दिख रहे हैं, आर्मी, क्लास, फैमिली, जूरी, पीपल, हर्ड। हर्ड का मतलब होता है झुंड और जूरी का मतलब होता है जजों की एक कमेटी। जैसे एग्जांपल देखिए, ए हर्ड ऑफ कैपिटल इज पासिंग नियर रिवर, नदी के किनारे पशुओं का एक झुंड गुजर रहा है। हर्ड यानी कि झुंड, ए हर्ड यानी कि देखा जाए तो सेंटेंस के हिसाब से ये एक सिंगुलर के लिए यूज किया गया है इसको, लेकिन अगर हम हर्ड पर गौर करें, हर्ड पर क्या पाएंगे? झुंड। झुंड में क्या होते हैं? काफी सारे होते हैं, काफी सारे होते हैं, तो क्या बोलते हैं? झुंड। इस तरह से जितने भी वर्ड हैं, आर्मी, क्लास, फैमिली, पीपल, हर्ड, जो भी है, ये एक तरह से खुद के अंदर बहुवचन होते हैं। इनका यूज सिंगुलर की तरह होता है, लेकिन ये खुद में क्या होते हैं? प्लुरल होते हैं। कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन, कलेक्शन यानी इकट्ठा होना, ये एक समूह को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थ। जैसे कि हमने कॉमन नाउन में वस्तुओं का जिक्र किया, तो वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बनी होगी, तो वस्तु जिस पदार्थ से बनी है वो पदार्थ किसमें आएगा? मटेरियल नाउन। जैसे हमने बुक का जिक्र किया था, देश, बुक इज मेड ऑफ पेपर। ठीक है, जैसे दिस बॉटल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, ये प्लास्टिक और पेपर क्या है? ये मटेरियल नाउन। बोतल है प्लास्टिक से बनी है, ये बुक है ये पेपर से बनी है, पेपर यानी कागज। मेड ऑफ के बाद में जो वर्ड आ रहा है वो हमारा एज ए मटेरियल आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। मतलब जो भी अपनी कोई वस्तु होगी वो किसी न किसी चीज से मिलकर बनी होगी, या किसी कोई मेटल का कंपाउंड होगा या कोई सिंगल मेटल होगा, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं मटेरियल का यूज हो गई। मटेरियल में मेटल भी आ जाते हैं, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, तो ये आपको शब्द देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ पदार्थ है।
वाक्य में कौन सा वर्ड है जो पदार्थ है। तो इस तरह से आप मटेरियल नाउन को देख लो। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाम का। ऐसी चीजें जिन्हें देख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे काइंडनेस यानी कि दयालुता, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी उस वाक्य में क्या है, ऑनेस्टी नाउन की जगह आ रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए नाउन की जगह। तो ऑनेस्टी क्या है, एब्जेक्ट नाउन है। अब जैसे फेथ यानी कि विश्वास, प्यार, घृणा, नफरत, विश्वास, दयालुता, ईमानदारी, ये चीजें हमें महसूस होती है, ये हम देख नहीं सकते, ये कोई चीज नहीं होती जिनको हम देख पाए, इसलिए ये किस्म आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। नाउन के दो प्रकार और होते हैं जो नंबर्स के आधार पर होते हैं, जैसे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे कोई नाउन है, यहाँ पे कोई भी डिजिट है, जैसे 4 ले लेते हैं। काउंटेबल का मतलब जिनकी गिनती हो सकती है, अनकाउंटेबल का मतलब जिनकी गिनती नहीं हो सकती। इनकी पहचान कैसे होती, सीधी सीधी आप किसी भी नाउन के आगे डिजिट लगा के देखिए, अगर आपका सही बैठ रहा है तो काउंटेबल है। लेकिन जैसे बुक है, अगर यहाँ पे आप बोलो 4 बुक, आपका वाक्य सही है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि बुक क्या है, काउंटेबल है। लेकिन अगर आपको डिजिट और नाउन के बीच में अगर कोई यूनिट का यूज करना पड़े, यूनिट जैसे एज एग्जाम्पल आपको शुगर है, यहाँ पे आप सीधा 5 शुगर लिख सकते नहीं लिख सकते, 5 चीनी, कोई मतलब नहीं है इसका, यानी यहाँ पे आपको एक यूनिट का यूज करना पड़ेगा, केजी, 5 केजी, यानी जहां पे यूनिट का यूज करना पड़े वो जिस अनकाउंटेबल है। ये होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में बीच में कोई ना कोई यूनिट का यूज अवश्य होगा। एक चीज और देखिए, आप नाउन के अंदर आपने शुरुआत में पढ़ा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, कैसे, जैसे देखिए एग्जांपल देता हूँ, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर के भारत के बाहर किसी देश का महान अंग्रेजी साहित्यकार है, तो कालिदास को शेक्सपियर की तर्ज दी, शेक्सपियर की संज्ञा दी। कालिदास शेक्सपियर नहीं है, शेक्सपियर की तरह कालिदास कार्य कर रहा है, इसलिए शेक्सपियर की संज्ञा कालिदास को दी। देखा जाए तो शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर शेक्सपियर कॉमन है, कालिदास की जगह कोई और भी हो सकता है जो शेक्सपियर की तरह कार्य करे, जैसे सीता जैसे लता मंगेशकर और विलियम्स। अब जो सीता है वो हमारे गांव की लता मंगेशकर है, एक्चुअली में सीता लता मंगेशकर नहीं है, सीता गाती बहुत अच्छा है इसलिए उसको लता मंगेशकर की संज्ञा दी गई है, यानी लता मंगेशकर यहाँ पे से फिर इनको एक तरह से एक कैटेगरी बना दिया गया है
जो अच्छा साहित्यकार होगा उसको शेक्सपियर की श्रेणी में रखा जाएगा, जो अच्छा गायक उसको लता मंगेशकर की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसमें क्या है कि सीता लता मंगेशकर नहीं, लता मंगेशकर की तरह अच्छा लगती है, इसलिए इसमें है कॉमन नाम। तो ये होता आपका नाम कंप्लीट, आगे वाले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पे आपको हर ट्रेड से संबंधित थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लासें, मटेरियल आपको यहाँ मिलेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर सब मिलेगा आपको हर ट्रेड का। धन्यवाद।